ईडी ने मंगलवार को कठुआ पंजाब समेत 8 अलग अलग शहरों में छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी पूर्व विधायक और पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह के आवास पर भी की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वन्य भूमि की बिक्री और खरीदी करने के आरोप में ये छापेमारी की जा रही है। वहीं चौधरी लाल सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर उनके समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। चौधरी लाल सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे समर्थकों का कहना है कि सरकार केवल झूठे आरोप लगाकर ऐसी कार्रवाई कर रही है। असल में बीजेपी लद्दाख की तरह जम्मू कश्मीर में भी फेल हो चुकी है। हमें पूरा विश्वास है कि यूटी की जनता आने वाले चुनावों में बीजेपी को करारा सबक सिखाएगी। चौधरी लाल सिंह की बढ़ती लोकप्रियता से सरकार डरी हुई है, तभी ऐसी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि खबर लिखे जाने तक ईडी की छापेमारी जारी थी। ईडी की टीम चौधरी लाल सिंह के घर पर छानबीन कर रही है। तो हमको बस अब सुबह ही खबर मिली वाली कि चौधरी साहब के घर कठुआ में ईडी ने रेड की हुई है। तो हम अपने आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमको डरने की कोई जरूरत नहीं, हमको अपने नेता पर पूरा भरोसा है। ये उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये इन लोगों को जम्मू वालों को दिखाने की शक्ल दिखाने की औकात नहीं है इनकी। और वो जो 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 पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ है उसको मोड़ने के चक्कर में ये जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। हमारा नेता इसमें से बेदाग बाहर आएगा और हम जम्मू के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। ये जितने जुल्म कर लें इनका कुछ नहीं होने वाला। जनता इनको नकार चुकी है, करगिल में देख लिया, जम्मू में इलेक्शन होनी थी, इनकी औकात नहीं है। इन्होंने सर्वे कराए हैं, उन्होंने इनको पता है कि हमारी जनता से बुरी हालत होनी है। और चौधरी लाल सिंह एक नाम है जो इनसे लड़ाई लड़ रहा है। ये उनको दबाने के चक्कर में, उनको किसी चक्कर में फंसाने के चक्कर में ये सब कार्रवाइयाँ चल रही हैं, पर इससे कुछ नहीं हो पाएगा। उन्होंने CBI इंक्वायरी बैठाई, उसमें कुछ नहीं मिला इनको। तो जज उसको क्या कर दिया, डिसमिस करना था केस, उसको बोला री इन्वेस्टिगेट। ठीक है, वहाँ कुछ नहीं मिला, इन्होंने अभी ईडी लेके आ गए। तो ईडी यहाँ से क्या कुछ नहीं लेके जाएगी। यहाँ से हमारा जो नेता शेर है उसने हमको भरोसा, उन्होंने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया। ये उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं या कि साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम जम्मू के हक लिए लड़ेंगे। हम डोगरा जो हम जम्मू स्टेट चौधरी साहब ने बोला हुआ अलग स्टेट जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे रहेंगे, वो स्टेट बना के दिखाएंगे। और हम डरने वाले नहीं हैं इनसे, ये जो मर्जी कर लें। अभी जम्मू से हमारे जितने भी कार्यकर्ता और आ रहे हैं यहाँ, हम तो यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ हमारा जो हमारा जो है ना मॉरल बहुत हाई है, हम डरने वाले नहीं हैं। हमने इनसे टक्कर लिया तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे कार्यकर्ता आपने सब देखे, सब खड़े हैं, हम सब लड़ाकू लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं। हम डोगरे इनको बताएंगे, इनका मुंह तोड़ के भेजेंगे इनको यहाँ से। धन्यवाद। रोष प्रदर्शन तो हमारा उसी दिन से स्टार्ट है जिस दिन से 370 इस गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 370 तोड़ी है और जम्मू को डिमोशन करके जम्मू स्टेट को स्टेट का दर्जा छीन के जूटी बढ़ाई है। उसी दिन से डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी जो है उसी दिन से सड़कों पे है और चौधरी लाल सिंह जी हमारे इस पार्टी के फाउंडर चेयरमैन हैं, वो उसी दिन से सड़कों पे निकले हुए हैं। और पहले इन्होंने CBI लगाई। ये जो सरकार है ये बौखलाहट में ये काम कर रही है और ये बौखलाहट में ही इन्होंने पहले CBI लगाई, अब ईडी का जो है वो भेज दी है। ईडी से ऊपर भी कोई है तो वो देखो वो इस सरकार के अपने अख्तियार में है। इनके पास पावर है, इनके पास सब कुछ है। आज आने वाले वक्त बताएगा कि इनके पास होगा कुछ या नहीं होगा, लेकिन इस वक्त तो ये जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो डोगरों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, डोगरों के हितों के लिए सड़कों पे निकले हुए हैं, डोगरों के साथ जो बेइंसाफी हो रही है, जम्मू के डोगरों के साथ जो इनकी ज़मीनें छीनी गई, इनकी पढ़ाई छीनी गई, इनके नौकरियां जो है नौजवानों की नौकरियां छीनी गईं, वह बात उनका फ़ोन जो है इन्होंने स्विच ऑफ छीन लिए हैं। फ़ोन सारे इनको इनके पास हैं, फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ किए हैं, अंदर से इन्होंने लॉक लगवा दिया है, अंदर कोई जा नहीं रहा। और हमारे जो साथी हैं, हमारे जो पार्टी वर्कर हैं, हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सारे इधर चौक में इधर बाहर खड़े हैं और देख रहे हैं कि क्या करते हैं, ये CED क्या करती है और CBI ने क्या किया। और ये भी बिल्कुल उसी का नतीजा है। चौधरी साहब जो है वो लोगों की आवाज़ बने हुए हैं और जो दिन ब दिन चौधरी साहब की लोकप्रियता जो है, जो इनका पॉपुलरिटी जो है वो बढ़ रही है, वो बढ़ने के कारण जो है
वो इनका बर्दाश्त नहीं हो रही है इस सरकार से, और उसी बर्दाश्त का ना करने का जो है नतीजा जो है ये बहुत। जी बताएंगे आपका क्या नाम है? सर मैं राहुल डोगरा, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का रूरल प्रेसिडेंट। और जब आज हम अपनी पार्टी ऑफिस में आए हैं कठुआ, तो आगे देखा जहाँ पे ईडी आ चुकी है अंदर, ना हमें अंदर जाने दिया जा रहा है ना कुछ। जो भी जम्मू की आवाज़ उठाएगा उसके ऊपर ईडी होगी या सीआईडी होगी, जो भी है ये सरासर गलत है कि चौधरी साहब जम्मू की आवाज़ उठाते हैं, आज उनके घर ईडी भी आ गई। ईडी से बड़ा कोई है तो वो भी भेज दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हमें सुबह ही पता चला है कि ईडी की रेट पड़ी है, लेकिन मैं ईडी से भी कहना चाहता हूँ और गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ, जो एक रेट होती है, रेट जो वर्ड का मतलब है, वो है क्रिमिनल के ऊपर। और जो पब्लिक जानती है क्रिमिनल कौन है, चौधरी लाल सिंह जी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है इस वक्त, उनके पास कोई पावर नहीं है, इस वक्त उनके पास कोई पावर नहीं है। बिना पावर के भी वो लोगों का काम कर रहे हैं, बिना पावर के भी वो लोगों का काम कर रहे हैं। रोज यहाँ कम से कम भी 40-50 लोग आते हैं जिनके काम यहाँ पर बिना पावर के होते हैं। रोज हर हफ्ते 4-5 पेशेंट जो एम्स में चौधरी साहब भेजते हैं, अपने बात करके वहाँ भेजते हैं लोगों को, जहाँ बिना पावर के फैसिलिटी मिल रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पच रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो पीएमओ में ऑफिस में बैठे हैं 10 साल से मेंबर ऑफ पार्टी बन के, एक बार भी कठुआ में हमने भी उनको वोट डाला था, एक बार भी उन्होंने जहाँ पर पब्लिक दरबार नहीं लगाया है, ना लोगों की समस्याएं सुनी हैं, सिर्फ आते हैं अपनी पार्टी ऑफिस में जाते हैं, लोगों का काम देख के चले जाते हैं। चौधरी लाल सिंह जो हैं, जब पावर में थे हर महीने में पब्लिक दरबार लगाते थे, लोगों को प्रॉब्लम सुनते थे, जहीं पर हल होते थे, वो आज भी हो रहे हैं। और जो इनको नहीं पच रही है, इनको दुख हो रहा है, और म्यूनसिपल काउंसिल के इलेक्शन इन्होंने कैंसिल करवा दिए हैं, अब इनको एमपी इलेक्शन की पड़ी है कि अगर चौधरी लाल सिंह ऐसे चलते रहे तो हमारी जो सीट है वो हाथ से चली जाएगी। ये कहते हैं कि हमारी पार्टी में आ जाओ, कांग्रेस वाले कहते हैं हमारी पार्टी में आ जाओ, लेकिन चौधरी लाल सिंह कहते हैं हम खड़े हैं तो डोगरों के साथ खड़े हैं, डोगरों के साथ खड़े रहेंगे, डोगरों के साथ मरेंगे। और चौधरी लाल सिंह किसी पार्टी में नहीं जाने के तैयार होने के ना होने के कारण आज ये नतीजा भुगतना पड़ रहा है। हम कहते हैं कि ईडी के सिवा जो भी आपके पास पावर है वो आप लगा लो, वो एक बेदाग हैं, साफ सुथरे इंसान हैं, लोग उनके साथ हैं, जिसके साथ लोग हैं भगवान उसके साथ होता है। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि डरने की कोई बात नहीं है, हमारे लीडर जो हैं बेदाग हैं और बेदाग साबित हो गए, जो बार बार आते हैं आते रहेंगे, सिर्फ ये पॉलिटिक्स की इनकी चाल है कि कोई इनको दबोचा जाए और इलेक्शन में इनको अगले। लेकिन आपने देखा ले में इनका हाल देख लिया, एक मामूली म्यूनसिपल काउंसिल के इलेक्शन में इनका जो हाल हुआ है, और एमपी की तो आप बात ही छोड़ दो, लोगों को बिजली की इतनी प्रॉब्लम है। मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, कठुआ के बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं जो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, परसों का नवरात्रा माता रानी का शुरू हुआ है और परसों रात 8 बजे लाइट गई थी, कल रात 9 बजे आई है, धिकार है ऐसी पार्टी पर, धिकार है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पर जो माता रानी के नवरात्रों में लाइट नहीं दे सकते हो। वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र हम नहीं, आज जहाँ डोगरा राष्ट्र बनेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। जादूगर जय डोगरा। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं अब नवरात्र और दीपावली को लेकर विशेष ऑफर, एक चार्ज पर 120 किलोमीटर माइलेज देने वाले मेड इन इंडिया एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब मिलेगा मात्र 1,82,000 रुपए में, जबकि 1200 वॉट की मोटर के साथ एक्साइड नियो ई रिक्शा मिलेगा अब सिर्फ 2,22,000 रुपए में। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ, मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो एलसीडी डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार एलसीडी इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, एफएम सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप आनंद नगर बोहड़ी जम्मू संभाग में। डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191-2554-360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।